Whenever someone hears about index funds, उनको लगता है कि शायद निफ्टी 50 के बारे में बात कर रहे होंगे. But you know that there are more than 60 indices in total and Nifty 50 is just one of them. Let me show you different types of indices. As you can see, there are broad-based indices which Nifty 50 is a part of. As you can see, there are other 15 broad-based indices too. Then there are sectoral indices, thematic indices and strategy indices. यार इतनी सारी इंडसीज हैं एंड ऑलमोस्ट 30 इंडसीज के तो अपने इंडेक्स फंड्स भी है, तो सवाल ये आता है कि बेस्ट इंडेक्स फंड है कौन सा. इस वीडियो में हम 30 इंडेक्स फंड्स को कंपेयर करेंगे एंड टॉप 3 निकालने की कोशिश करेंगे अक्रॉस ऑल द इंडसीज. वी वोंट बी टॉकिंग अबाउट सेक्टोरल और थीमेटिक इंडसीज बिकॉज वो एक पर्टिकुलर सेक्टर या थीम को ट्रैक करते हैं, सो इट डज नॉट मेक एनी सेंस फॉर अस टू इंक्लूड देम इन दिस डेटा. लेट्स लुक एट द डेटा फॉर द पास्ट 3 and 5 year trailing returns of all the 30 funds that we are comparing. इसमें जैसे आप देख रहे हैं Nifty 50 के 3 and 5 years returns are 18.63% and 16.82%. If we consider the 5 years data, only 9 index funds were able to beat the Nifty 50 returns. Nifty 200 Momentum 30 top पे है दोनों 3 year and 5 years return के data में. बट इसको थोड़ा सा और ड्रिल डाउन करते हैं. हम लास्ट 16 इयर्स का डेटा देखते हैं एंड देखते हैं कि उन 16 इयर्स में ऐसे कितने 3 इयर्स पीरियड थे जिसमें इंडेक्स फंड ने निफ्टी 50 को बीट किया है. वी विल शो यू दिस डेटा इन परसेंटेज. सो अगर लास्ट 16 इयर्स में इंडेक्स फंड ने निफ्टी को 20 में से 15 बार बीट किया है तो उसका परसेंटेज विल बी 75%. As can be seen, there are 5 funds जिन्होंने 75% से ज्यादा बार Nifty 50 को beat किया है. जितना high percentage, उतने ज्यादा chances Nifty 50 को beat करने के. इसमें भी Nifty 200 Momentum 30 top पे है. But अभी भी कोई बहुत ज्यादा clarity नहीं आ रही है ना? So हमने इन सारे funds को एक और data पे compare किया. हमने इन सब funds को 2005 से लेकर 2021 तक उनके सारे 3 year rolling returns compare किए. ऑब्वियसली कुछ फंड्स हैं जो दूसरे फंड से ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं. सो वी एनालाइज कौन से फंड्स कितने टाइम तक टॉप 25% में रहते हैं एंड कितने टाइम तक बॉटम 75% में रहते हैं. वी वुड ऑब्वियसली गो विद फंड्स जो कि टॉप 25% में रहते हैं फॉर द लॉन्गेस्ट एंड 16 इयर्स शुड बी अ गुड इंडिकेटर. सो लेट्स सी हाउ ऑल दीज थिंग्स स्टैक अप अगेंस्ट ईच अदर. अब पिक्चर थोड़ी क्लियर होना शुरू हुई है. एज वी कैन सी फ्रॉम दिस डेटा दैट ऊपर के 5 फंड्स आर इन द टॉप 25% मोर देन 45% ऑफ द टाइम्स व्हिच इज अ ग्रेट इंडिकेटर. ऑल्सो पिछले दोनों एनालिसिस में निफ्टी 200 मोमेंटम 30, निफ्टी अल्फा लो वॉलिटिलिटी, निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी 50 एंड निफ्टी 100 लो वॉलिटिलिटी 30 कंसिस्टेंटली टॉप 5-6 में आ रहे हैं एंड बाकी सारे फंड्स को बीट कर रहे हैं. एक बार इन सब के रिस्क पैरामीटर्स भी देख लेते हैं. सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन एंड बीटा एनालिसिस की. अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा दैट स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिस्क को डिफाइन करता है. जितना ज्यादा उसका स्टैंडर्ड डेविएशन उतना ज्यादा रिस्की है वो फंड. बीटा फंड की सेंसिटिविटी को बताता है. इसका मतलब है कि अगर मार्केट में हमारा जो इंडेक्स है वो 100 से गिरा तो हमारा जो फंड है वो 100 से ज्यादा गिरेगा या उससे कम. बीटा जितना कम उतना बेटर. देखते हैं इन सारे फंड्स का ये डेटा. जो ऊपर फंड्स दिख रहे हैं उनका बीटा सबसे कम है नीचे वालों का ज्यादा. जो 4 फंड्स हमने आइडेंटिफाई किए थे एक बार उनके रिस्क पैरामीटर्स भी देख लेते हैं. निफ्टी 200 मोमेंटम 30 वाज वन ऑफ द बेस्ट फंड्स इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस. बट जैसा कि आप देख सकते हैं ये फंड निफ्टी 50 से ज्यादा रिस्की है. डेटा ये इंडिकेट करता है दैट देयर आर हाई चांसेस दैट दिस फंड विल बीट निफ्टी 50 एंड जिन इन्वेस्टर्स का रिस्क एपेटाइट ज्यादा है दे कैन सर्टेनली थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग इन दिस फंड. इस इंडेक्स का एक यूटीआई का फंड भी है. इस पे हमने डिटेल में एक वीडियो बनाई है. सो इफ यू वांट टू वॉच दैट वीडियो प्लीज क्लिक ऑन द बटन ऑन द टॉप राइट कॉर्नर. नेक्स्ट आता है हमारा निफ्टी लो वॉलिटिलिटी 30 एंड जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस फंड के भी रिस्क पैरामीटर्स बहुत अच्छे हैं. सो जिन इन्वेस्टर्स का रिस्क एपेटाइट कम है बट वांट स्लाइटली बेटर रिटर्न्स देन निफ्टी 50 कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस फंड. इसका ICICI प्रूडेंशियल का एक ETF है, उसपे भी हमने डिटेल में वीडियो बनाई है. सो इफ यू वांट टू वॉच दैट वीडियो प्लीज क्लिक ऑन द बटन ऑन द टॉप राइट कॉर्नर. नेक्स्ट आते हैं निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी 50 पे. दिस इज ऑलमोस्ट लाइक द प्रीवियस फंड, रिटर्न्स बेटर देन निफ्टी 50 विद लेस रिस्क. बट क्योंकि ये फंड मिड कैप कैटेगरी में आता है सो इवेंचुअली दिस कैन गेट अ लिटिल रिस्कियर. इसका इंडेक्स फंड अभी पाइपलाइन में है. यूटीआई ने जून में इसके इंडेक्स के लिए अप्लाई किया था एंड वी कैन एक्सपेक्ट द NFO एनी टाइम नाउ.
लास्ट आता है निफ्टी अल्फा लो वॉलिटिलिटी, इसका भी ICICI का एक ETF है, बट वी विल नॉट रिकमेंड दिस फंड टू यू बिकॉज इस ETF का AUM काफी कम है, सो आपको फंड्स को लिक्विडेट करने में प्रॉब्लम हो सकती है. सो दैट्स इट, आर 3 पिक्स फॉर बेस्ट इंडेक्स फंड्स आर UTI Nifty 200 Momentum 30 Index Fund, ICICI Prudential Low Volatility 30 and UTI Nifty Mid Cap 150 Quality 50 Index Fund. लास्ट वाले के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, बट द फर्स्ट टू आर ऑलरेडी इन द मार्केट, सो यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन देम. अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में नए हैं, सो वी हैव मेड वीडियोस फॉर यू इन ऑलमोस्ट ऑल द कैटेगरीज एंड वी हैव मेड अ प्लेलिस्ट फॉर द सेम, यू कैन वॉच इट हियर. लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी डाउट्स. टिल देन, बी किफायती.